मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चिकन में। इसका नाम है भुना चिकन मसाला। तो सबसे पहला काम जो है हमने यहाँ पर एक स्पाइस बनाना है जिसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो उसके लिए फ्राइंग पैन आप लेंगे और उसमें आप डालेंगे साबुत गर्म मसाला 1.5 टेबल स्पून है, सौंफ बीच में जाएगी 1.5 टेबल स्पून, लेवल्ड है ज़्यादा भर के मत कीजिएगा, साबुत काली मिर्चें जो हैं इसमें जाएंगी 1 टीस्पून लेवल्ड, लौंग इसमें जाएंगी 12-15 कर लें, सब्ज़ इलायचियाँ जो होती हैं उसका आप छिलका रिमूव कर दें, सिर्फ आपको उसके सीड्स चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर जो है 8 अदद इलायची जो है उनको छील कर वो डाल लिया था। इसे यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर रख लें इनफैक्ट, और इसको सिर्फ इतना भून लीजिएगा कि आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होती है और जो धनिया वगैरह है इसका कलर आप देखेंगे हल्का सा चेंज हो जाता है। तो ये कि ज़्यादा मत इसको ड्राई रोस्ट करें वरना फिर जो ड्राई स्पाइस होते हैं उसमें एक कड़वाहट आ जाती है, तो उसका ख्याल रखते हुए चमचा बीच में हम हिलाते रहेंगे और इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और फिर इसको अपने पीस कर एक पाउडर बना लें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। वो जो मसाला था मैंने ड्राई रोस्ट करके उसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया और ये देख लें इसका मैंने पाउडर बना लिया। ठीक है, ये हो गया है काम। अब यहाँ पर आपको चाहिए 1 किलो चिकन हड्डी के साथ है, अगर आप चाहें इसको बोनलेस में बना सकते हैं लेकिन इसका जायका जो हड्डी से ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसमें इसकी मैरिनेशन सिंपल सी है, इसमें आपने इसमें नमक डालना है 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और 1/2 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब जो स्टेप है आपने तेल गर्म करना है, आपसे तेल में बनाएं घी देसी घी आपकी चॉइस है, मैं तेल का इस्तेमाल कर रही 1/2 कप जितना तेल है, कम ज़्यादा प्लीज़ अपनी चॉइस पर खुद कर लें क्योंकि काफ़ी दफ़ा रेसिपीज़ के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है कि लोग आके ये लिख रहे हैं जी आपने बहुत ज़्यादा तेल डाल दिया। देखिए ये कॉमन सेंस की बात है और साथ साथ आपको गाइड भी कर रही होती हूँ कि आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर यूँ बेफजूल कॉमेंट करना और किसी की बेइज्जती करना मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को भी सूट करता है। और फिर अगर आप अपनी सफाई देना चाहें तो लोग आगे से कहते हैं कि जी ये जो है आगे से जवाब देती हैं या बदतमीजी करती हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको हर आपके सवाल का जवाब दूं, जैसे मैं हर वीडियो के नीचे कमेंट करती हूं आपके लिए, तो मुझे हक भी है कि मैं अपनी क्लैरिटी दे सकूं। आई होप दैट्स फेयर इनफ। एनीवे बैक टू द रेसिपी, थोड़ा दिल में गुबार था आप लोगों के साथ शेयर करना था सो कह दिया। तेल यहाँ पर मैंने 1/2 कप इस्तेमाल किया, बीच में जाएगा ज़ीरा 1.5 टीस्पून भरकर है, साबुत लाल मिर्ची जो होती हैं ड्राई वाली आप गोल इस्तेमाल कर लें या जो इस तरह की होती हैं। ठीक है, 6 अदद वो डाल दी, ड्राई स्पाइसेस जाते ही गर्म तेल में अपना जायका छोड़ देते हैं। तो ये इसको हल्का सा फ्राई कर लिया और उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि अनियन है, मेरे पास 4 बड़े साइज़ के प्याज थे। ठीक है, इसे मैंने जिस तरीके से आप ऑमलेट के लिए फ्राई करते हैं उसी तरीके से आपने इसको डालना है। और फ्लेम आप नीचे हाई पर ही रखेंगे और यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि जो है ये अच्छे से गोल्डन कलर की तरफ आ जाएगी। तो ये कि पेशेंस रखिएगा कि ऑब्वियसली प्याज होता है थोड़ा सा टाइम लेता है, और आपको टिप दे देती हूँ अगर आप चाहते हैं कि जल्दी इसका प्रोसेस हो जाए फ्राई होने का तो आप इस पर थोड़ा सा नमक डाल दें। जैसे अगर आप साल में 1.5 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/2 चम्मच नमक की यहाँ पे डाल दें, तो ये कि जल्दी जो है प्याज का मॉइस्चर ड्राई हो जाता है और इससे गोल्डन हो जाती है। तो एक इसको फ्राई हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पर जो है अच्छे से जो है हमने इसको ब्राउन कर लिया। ठीक है, अब इसमें जो है आपने ऐड करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून में बस भरकर है, इसे भी बीच में डाल दें और मज़ीद 3 मिनट के लिए इसको यहाँ पर प्याज के साथ फ्राई करते हैं। और इसके बाद बाकी की क्या चीज़ें जाती हैं वो आपको दिखाते हैं। 3 मिनट अच्छे से आपने भून लिया अदरक और लहसुन को भी। अब इसमें जो है आपने डालना है टमाटर, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था यहाँ पर, तो मेरे पास 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, ग्राइंड कर लिया। और अब आपने फ्लेम अभी भी हाई पर ही रखनी है और सिर्फ करना ये कि अच्छी तरह आप इसको भूनेंगे यहाँ तक कि टमाटर का पानी जो है वो आप देखेंगे कि रिड्यूस हो जाता है और तेल या घी में आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो इसको अच्छे से यहाँ पर भूनते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए तेल आ गया सरफेस पर, अब आपने जो है इसमें ऐड करना है वो चिकन जिसे आपने मैरिनेट किया था। ठीक है, तमाम को बीच में ऐड कर लें, इसको अच्छी तरह आपने यहाँ पर हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। ठीक है, अब इसमें जो है हमने सिंपल सी चीज़ें डालनी है। हल्दी मैंने इसमें डाली थी पहले 1/2 टीस्पून, ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून है, चुटकी भर है, ज़रा थोड़ा सा जो है जो सालन उसमें भी कलर आ जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1.5 टीस्पून अपने जायके के मुताबिक, कम या ज़्यादा खुद कर लें। नमक मैंने 1/2 टीस्पून चिकन में डाला था और 1 टीस्पून जो है मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वो मसाला जो हमने ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किया था, क्योंकि ये 1 किलो चिकन है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून और जो बाकी का है
ये तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून मेरे पास बाकी बच गया। वैसे मैं 8 कंटेनर में डाल करके रख लूँगी। यही मसाला जो है आप गोश्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं। इसका बड़ा अलग सा जायका आपको इंशाल्लाह आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ज़रा यहाँ पर पहले अच्छे से मिक्स करते हैं मसालों के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो बहनें और बच्चियाँ जो कंप्लेन करती हैं कि उनका प्याज नहीं गलता, तो दैट्स फाइन। आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको प्याज दिखाई थी कि मैंने ऑमलेट की तरह चॉप की थी, आप उसको सिंपली जो है ग्राइंड कर लो, ठीक है। आप ग्राइंड करके उसको फ्राई कर लें तो अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाएगा, और फिर बाकी का स्टेप आपने इसी के से फॉलो करना। तो आपको भी मैंने यहाँ पर बता दिया। दही इसमें जाएगी 1/2 कप जितनी, ठंडी नहीं डालेंगे और फेंट कर डालेंगे, ठीक है। उसे होता है कि फिर साल में जाकर ये कर्डल नहीं होती है। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर नेक्स्ट डे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब आपने सिंपली जो है इसमें ऐड कर देना है पानी। तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 कप जितना पानी। मिक्स करेंगे, फ्लेम को फिलहाल आपने हाई पर ही रखना है, इस आपको हमेशा बताया। और जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर कुक करेंगे, यहाँ तक कि चिकन अच्छे से आपकी टेंडर हो जाए, तेल घी में भी आप इसको बना रहे हो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो एक इसको अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं इसका एंड। तो देखिए यहाँ पे चिकन डन हो गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब आप इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, एक छोटी बंच डाल दें, अच्छी तरह इसको हाई फ्लेम पर भून लेते हैं और उसके बाद जो है इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, इसको आप सर्व करेंगे गर्मा गर्म। रोटी हो, तंदूर की रोटी हो जाए, नान, जो आपका दिल चाहे। अगर आप चावलों के शौकीन हैं तो आप इसको जो होते हैं सफ़ेद जीरे वाले चावल उसके साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर whichiscookwithfaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। ज़रूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।